अगर बात करें हलवे की, तो हलवे में सबसे पहले याद गाजर की ही आती है, जो कि ठंडी के सीजन में इजली मिल जाती है मार्केटों में। तो ये गाजर का हलवा तो भाई सबको पसंद बहुत होती है। दोस्तों, हमको इंतज़ार कभी कभी करना होता है हमारे किचन में, कभी ज़रूरी नहीं है हमेशा हर चीज़ मिलते हो या घर में रखे हो। तो कभी कभी हमारे किचन में जैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, मावा नहीं होते, तो हम क्यों इंतज़ार करें। खाना है तो किसी भी तरीके से बना के ज़रूर खाएंगे, तो क्यों ना थोड़ी सी टेस्टी, थोड़ी अच्छे फ्लेवर से बनाएं, जो कि कोई भी ना जान पाए कि हमने डाला क्या है जो कि इतना टेस्टी बना है। तो आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो सीजन में बहुत ही इजली गाजर मिल जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे देखिए, ऐसे रेड वाले पतले वाले मार्केट में गाजर बहुत ही आ रहे हैं। इसको पहले धुल के दो तीन पानी से मट्टी इसका निकाल देना है। कोई कोई में ऐसे मट्टी के कड़ होते भी हैं चिपके हुए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीलर से पहले इसके ऊपर का रेशा इसको निकाल देना है, और रेशे बिना निकाले तो घसना नहीं सही है। तो यहाँ पे पहले रेशा पीलर की मदद से निकाल देना है। और दोस्तों, अगर गाजर के आप बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो, तो अभी से अचार वगैरह बना के रख लीजिए। अगर चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वाद भरे अचार मिले, तो गाजर के अचार भी मेरे चैनल पे पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर रही हूँ। और बिना तामझाम के अगर आप गाजर के हलवा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको उबाल कर मैश कर भी हलवा बना सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जैसे आपके बड़े हैं, जैसे हस्बैंड ससुर या ऐसे फादर मम्मी पापा, जैसे जो गेस्ट घर में आ गए, अगर इन लोग के लिए बनाना है, तब तो भाई थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा ग्रेट ही करना होगा। तो क्या हुआ, अगर उबाल के मैश करके बनाना है तो भी स्वाद दोनों चेंज नहीं बिल्कुल रहता, सेम ही रहता है। बस दिक्कत ये है, थोड़े लच्छेदार ये हलवा बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेट करके हमने रख लिया है गाजर, और ये अभी गाजरी कलर के दिख रहा है। गाजर तो है ही है, लेकिन जिसको जब फ्राई करेंगे ना, तो कलर चेंज हो जाता है, और देखते देखते कलर चेंज हो जाएगा। धीमी आँच पे इसको भूनना है। तो चलिए चलते हैं इसको भूनने। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी। देसी घी आपको दो बार डालना है, एक बार अभी और एक बार अभी। कब, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच से 2 चम्मच देसी घी। अगर नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन वेस्ट रहेगा कि देसी घी में ही बनाए। तो यहाँ पे देसी घी मैंने डाला है, घर का ही बनाओ, और गाजर का हलवा उठा उठा के कढ़ाई में छोड़ दे रही हूँ। अभी मैंने तेज आँच रखा है, अब इसको स्लो आँच में मुझे भूनना है। लगभग 6-7 मिनट भूनने में लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भूनने लगेंगे ना, तो कलर खुद ही चेंज हो जाता है इस तरीके से, मतलब कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसको जब खुशबू आने लगे ना भुनने के बाद, तो आपको दूध डालना है। मेरा तो 1 लीटर दूध है घर का ही, और गाजर मेरा 1.5 किलो था। तो यहाँ पे देखिए, दूध मेरा 1 लीटर है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। बीच में मैंने जगह कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे गाढ़ा दूध मेरे घर के ही हैं भैंस की, तो मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो 1 लीटर दूध मैं एब्जॉर्ब करवाऊँगी इस हलवे में। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी हों, 150 ग्राम, 250 ग्राम या जो भी, जितना भी दूध हो आप उसने में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी खासियत बात है कि आपको धीमे धीमे आँच में ही इसको दूध में पकाना है, वो भी खुले ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है। और आपको यहाँ पे गैस कर देना है तेज़ थोड़ा सा, और उसके बाद जब लास्ट में दूध आपका बिल्कुल जल जाए, यानी कि हलवे के साथ गाजर के साथ एकदम एग्जॉर्ब हो जाए, लास्ट में आपको शक्कर डालना है स्वाद अनुसार, जितना मीठा चाहिए आपको। क्योंकि शक्कर डालने के बाद भी ना आपको चलाना होगा
3 से 4 मिनट, और उसके बाद फिर आपको आप चाहे तो ढक सकते हैं, लेकिन जब आप दूध डालें तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ना ढकें। तो 2 से 3, यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट बीता, उसके बाद मैंने 2 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई थी बिना मावा के, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूध के ऊपर की लेयर की जो मलाई होती है ना, वो भी सेम मावा वाला ही फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे इकट्ठा मैंने करके रखा था, और उसके बाद मैंने चलाया वलाया, फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच फिर से डाल दिया है देसी घी। देखिए लास्ट में जब उतारते टाइम हो ना, तभी आपको देसी घी डालना है। तो दोस्तों मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है देखते ही देखते। और यहाँ पे देखिए आप जितना चाहे उतना सूखा कर सकते हैं तेज आँच रख के, और खूब बढ़िया से इसको भून दीजिए और अच्छे से, तो आपका और सूखा हो जाएगा। आप जितना जैसे चाहिए आपको उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए देखते ही देखते बाउल में मेरा हलवा निकल चुका है, और ऊपर से मैंने हल्की सी मलाई लगा दी है। तो बताइएगा मेरा ये गाजर का हलवा बनाने का तरीका कैसा लगा, और ड्राई फ्रूट वगैरह हो तो ऊपर तामझाम कर दीजिए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे तो बताइएगा मेरा गाजर का हलवा कैसा बना है। और हमारे हलवे में थोड़ी सी भी जान है तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो मुझे तो कोई दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हमारा आपका जन हमेशा का रिश्ता है और रोज़ रोज़ का रिश्ता है। तो चलिए बाय बाय, रखिए अपना ढेर सारा ध्यान।